मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में फूड विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह सहित मंडल के सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने गेहूं खरीद के दौरान किए गए भुगतान की समीक्षा की तथा कोटेदारों की शिकायतों को दूर करने के निर्देश भी दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि राशन वितरण की दुकानों पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा कोटेदारों को दिए जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान भी किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि पिछले दिनों कोटेदार एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। अगले बार शिकायत, इसके बाद कोई भी शिकायत मुझे मिलना नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए, मीटिंग तीन इशू के लिए मैंने बुलाया हूँ। एक एक इशू मैं रेज करते जाऊंगा, आप मुझे बताते जाइए, ठीक है? और अभी से तैयारी कर लीजिए, मतलब धान के लिए मैं आपको बता दूंगा। नोट कर लीजिए, एक परसेंट नहीं, 0.00001% भी गलत नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए। 50 किलो का जो होता है वो कैसा नापा जाता है और कितना कोटेदार को मिल रही है, जो कोटेदारों की एसोसिएशन के तरफ से हमको शिकायत मिली। सर जो शिकायतें सर आपने संज्ञान में लाई थी सर, 50 की जगह 51 किलो की भर्ती दिखाई जा रही है और मौके पे जो कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं जो वजन 47 से लेकर के 49 किलो के बीच में कट्टों में मिले हैं और उसके वीडियोस भी आए हुए हैं, जबकि मतलब ऑन एन एवरेज 48 किलो की भर्ती है। और सर इसके हम लोग को कोई कुछ बोलेंगे जो कॉन्फिडेंट होकर के सब हम एग्जैक्टली 50 किलो उनको दे रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंट है तो खड़े होकर के बता दो।